धान की अवैध परिवहन करते कोचिए चढ़ी दुल्हू पुलिस के हत्थे। छत्तीसगढ़ राज्य में 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। जिले में अवैध धान की परिवहन पर जिला प्रशासन द्वारा धान बिचौलिए पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिया गया है। गोमा खान थाना दुल्हू चौकी, जो कि वनांचल क्षेत्र के साथ छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में आता है, सीमावर्ती क्षेत्र होने की वजह से धान कोचिए उड़ीसा राज्य से धान लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसा ही मामले बीते दिन 2 तारीख को दुल्हू पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बिचौलिए धान की अवैध परिवहन कर रहे हैं, जिस पर चौकी प्रभारी श्री LN साव की अगुवाई में घेराबंदी कर धान की परिवहन करते वाहन 407 गाड़ी क्रमांक OR26A4083 को धान 45 क्विंटल लगभग 100 कट्टा बोरी के साथ पकड़ा गया एवं वाहन मालिक अफजल खान से पूछताछ करने पर खुद को झागापाली जिला नुआपाड़ा निवासी बताया गया एवं धान मालिक पशु नायक उड़ीसा निवासी का धान उड़ीसा राज्य से छत्तीसगढ़ में खपाने की बात कबूल किया गया, जिस पर वाहन मालिक अफजल खान एवं धान मालिक पशु नायक पर 45 क्विंटल 100 कट्टा अवैध रूप से धान का परिवहन करने पर धारा 102 IPC जब्ता फौजदारी के तहत कार्रवाई किया गया। पिछले 2 तारीख को, अभी हाल ही में पिछले 2 तारीख को है, जो अवैध धान यहाँ पकड़ाई है उड़ीसा की गाड़ी, तो गाड़ी किसकी है और धान किसका है? ये अफजल खान गाड़ी शिमेल पाली झागा पाली ओपी तरबोर थाना कोमना जिला नुआपाड़ा उड़ीसा की। अभी जो धान पकड़ा है उस गाड़ी पर यहाँ से क्या कार्रवाई हो रही है? अभी जो धान पकड़े हैं उसमें हम लोग इस तगासा क्रमांक 3 है और धारा 102 जब्त फौजदारी में कार्यवाही कर कृषि उपज मंडी पाक बहरापुर प्रतिवेदन भेजकर सौंप दिया गया है। सर, भविष्य में भी तो कई गाड़ियां जैसे आती है, ये कभी पकड़ाती है, या शासन द्वारा यहाँ क्या दिशा निर्देश किया गया? जैसे बॉर्डर पड़ता है ना, तो इसमें शासन द्वारा धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए क्या क्या दिशा निर्देश, क्या क्या आप लोगों को प्राप्त हुई? अवैध धान परिवहन को रोकने के लिए जैसे नर्रा बॉर्डर है और खट्टी बॉर्डर है, और ये दोनों बॉर्डर है इसमें पुलिस बल लगाया गया है और चेक किया जा रहा है लगातार उन लोगों के द्वारा अवैध धान परिवहन ना हो कहकर। इसके अतिरिक्त पेट्रोलिंग और हम लोग भी लोगों को जागरूक कर इस संबंध में इस प्रकार की गाड़ी अगर धान अवैध परिवहन करते हैं तो उसको आप लोगों के द्वारा हमको सूचना देना है करके लोगों को बताया गया है। महासमुंद से आशीष गुप्ता, सीजी विजन TV।